इस देश में शेर और भालू की गणना होती है मित्रों, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं होती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाले समय में इस देश में भूचाल लाने का प्रयास इसी मन से होगा। पिछड़े वर्ग के लिए कोई कानून नहीं बना है। भू राजस्व संहिता में भी हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग के जमीन को केवल पिछड़ा वर्ग के ही लोग खरीदी बिक्री करें। आप लोग सहमत हैं? राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होना चाहिए। इस देश में हम आज तक एसटी एससी ओबीसी तीनों वर्ग को छला जा रहा है। हम चाहते हैं इस देश में भाईचारा के नाम से एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। 2012 में जब हमने तीन लोगों से शुरुआत की और चारमा कांकेर के धरती से एक आगाज किया था 50,000 लोगों को, चार दिन तक 120 किलोमीटर हम लोग रैली के माध्यम से लाए थे। सरकार हिल गई थी, लेकिन कुछ दलाल नुमा लोगों की वजह से सरकार बच गई। हमारे बीच में भी ऐसे गद्दारों और दलालों को हमको चिन्हना पड़ेगा, चिन्हांकित करना पड़ेगा, तब ये मूवमेंट हम लोगों की सफल होगा। मित्रों, कहने की बात तो बहुत है, लेकिन हमारे ओबीसी समाज के लिए अभी हम सुन रहे थे इस देश में 90% एसटी एससी ओबीसी के लोग निवास करते हैं, लेकिन आज लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या न्यायपालिका में हो, कितने लोग हमारे उस जगह में विराजमान हैं। आज ओबीसी के नाम से वोट की राजनीति इस देश में चल रही है। आदरणीय जी, भारत सरकार के प्रमुख माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। मैं इस मन से आग्रह करता हूं कि 2024 के पहले हमारे जितने भी ओबीसी के जो जातिगत कलम में उसमें हमारा गणना नहीं होता, इस देश में शेर और भालू की गणना होती है मित्रों, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं होती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं इस रामलीला की मैदान से ये आह्वान करना चाहता हूं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के धरती और रायपुर के धरती में होगा। कई लाख लोगों को हम शामिल करेंगे। आप लोगों की राय के लिए मैं, दोनों हाथ के लिए मैं इस प्रस्ताव को पारित कराना चाह रहा हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात भी कर लिया हूं। आप लोग सहमत हैं? राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? सारे प्रदेश के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी समय में रायपुर में होगा। आप लोग शामिल होंगे, दोनों हाथ खड़े करके समर्थन प्रदान करेंगे, क्योंकि रायपुर में हमारा ओबीसी की संख्या 50 से 52-56% है। अभी राज्य में 27% हमारे हड़ताल आंदोलन के कारण राज्य सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया है। उतने साल तक इस प्रदेश में अन्य पार्टी की सरकार रही, लेकिन 27% अभी 2 तारीख को पारित हुआ है। हमारे उद्घोषक महोदय बता रहे थे इस मंच में बहुजन की ही बात होगी। एसटी एससी ओबीसी हम सब लोग एक ही सूत्र में बंधकर आने वाले समय में इस देश में भूचाल लाने का प्रयास इसी मन से होगा। मित्रों, कहने की
बहुत और बात है, लेकिन कई वक्ता बैठे हैं, उनको भी हमको सुनना है। इसलिए मैं एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे साथ आदिवासी समाज के भाई भी इस मंच में उपस्थित हैं। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई का जमीन इसलिए सुरक्षित है कि उसके लिए भू राजस्व सहायता में भारत सरकार इंप्लीमेंट किया हुआ है। उसके जमीन को कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता, केवल आदिवासी की जमीन को केवल आदिवासी ही खरीद सकता है। ठीक उसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए कोई कानून नहीं बना है। पिछड़े वर्ग के लिए एक कानून केंद्र सरकार लाए। इस मन से आप सब लोगों को एसटी एससी ओबीसी के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बस्तर में जाकर बाहर के लोग उद्योगपति लोग हमारे एसटी पिछड़ा वर्ग के जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीद कर बिजनेस कर रहे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन को। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों के जो लिए कानून जो बना है, उसी तरह भू राजस्व संहिता में भी हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग के जमीन को केवल पिछड़ा वर्ग के ही लोग खरीदी बिक्री करें, वो भी मिशन रिकॉर्ड के अनुसार पे खरीदी बिक्री करने का अधिकार केवल ओबीसी के लोगों को मिले। ये भी प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ से केंद्रीय कमेटी में आना चाहिए। बस और ज्यादा बात ना करते हुए आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप लोग ने बड़ी गंभीरता से मेरी बात सुनी। मैं सारे पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के एक एक कार्यकर्ता, प्रदेश कमेटी, प्रदेश संरक्षक श्री लीलाराम साहू, श्री फूलचंद दीवान जिला अध्यक्ष कोंडागांव, श्री धनीराम यादव सुकमा, सम्मान्य सुरेश पटेल कांकेर, तरुण सिंह ढाकड़ जगदलपुर, सम्मान्य अंगेश सिरवानी धमतरी आदि लोगों को जो मेरे साथ चारामा से बस से चलकर दो बस से हम लोग आए हैं, कुछ मित्र अपने संसाधन से भी आए हैं, उन सबको आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश साहू जी।